नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार के शरद सागर का केबीसी एक्सपर्ट के तौर पर किया गया चयन। बिहार के 28 वर्षीय सामाजिक उद्यमी का चयन केबीसी में किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अमिताभ बच्चन बिहार के शरद सागर को कौन बनेगा करोड़पति के प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया है। टीवी के इस लोकप्रिय शो में शामिल होने वाले पहले बिहारी हैं। आपको बता दें 28 सितंबर से कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत हो चुकी थी। वहीं केबीसी में निमंत्रण मिलने पर शरद सागर ने कहा, अमिताभ बच्चन सबसे महानतम एवं प्रशंसित भारतीयों में से एक है। एक सदी के महानायक के साथ साथ वो राष्ट्रीय टेलीविजन पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कौन बनेगा करोड़पति के प्रतिभागी देश भर के नागरिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं और इस प्रतियोगिता में एक्सपर्ट के रूप में उनकी यात्रा में योगदान देना मेरे लिए एक आशीर्वाद है। कोरोना माहौल में और विधानसभा चुनाव के बीच त्योहारी रंग हुआ फीका। कोरोना के माहौल में और विधानसभा चुनाव के बीच इस बार दुर्गा पूजा और दशहरा की चमक फीकी देखने वाली है। राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए कहा है कि दुर्गा पूजा का आयोजन इस बार केवल घरों और मंदिरों में ही किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार इस बार दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों का आयोजन नहीं करवाया जाएगा, कोई तोरण या स्वागत द्वार भी नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही जारी किए गए आदेश में जिस स्थान पर मूर्तियां रखी जाएंगी उस जगह को छोड़कर बाकी स्थानों को खुला रखने का आदेश भी जारी किया गया है। इसके साथ ही पूजा के दौरान माइक आदि के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। नए आदेश के अनुसार पूजा स्थल पर किसी भी प्रकार का मेला या आसपास खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जाएगा। वहीं अभी सभी जगहों पर मूर्तियों का विसर्जन भी किया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ रामविलास पासवान को दी गई अंतिम विदाई। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दीघा के जनार्दन घाट से विदाई दी गई। जानकारों की माने तो अपने पिता के विदाई के दौरान चिराग पासवान बेहद ही भावुक नजर आए। इससे पहले भी पार्टी कार्यालय में अपने पिता को श्रद्धांजलि देते समय चिराग पासवान रो पड़े थे। उनके साथ वहां मौजूद लोग भी बेहद भावुक हो गए थे, जिसके बाद कार्यालय परिसर का माहौल बेहद ही गमगीन हो गया था। हालांकि रामविलास पासवान से मिलने पहुंचने वालों की लंबी कतार भी देखने को मिली थी। वहीं आज भी रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए लोजपा प्रदेश कार्यालय में उनके समर्थकों और चाहने वालों का हुजूम सुबह से ही देखने को मिला। विभिन्न जिलों के कार्यकर्ता सुबह से ही पटना पहुंच चुके थे। वहीं बीते दिन रात 10:20 पर उनके पार्थिव शरीर को पटना कार्यालय पहुंचाया गया था। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सुरेंद्र झा सुमन की। सुरेंद्र झा सुमन का जन्म 10 अक्टूबर 1910 को बिहार के समस्तीपुर जिले के बल्लीपुर नामक एक गांव में हुआ था, जिन्हें सुमन जी या आचार्य सुरेंद्र झा सुमन के नाम से भी जाना जाता है। सुरेंद्र झा एक मैथिली कवि, लेखक, प्रकाशक, संपादक और विधानसभा और संसद के निर्वाचित सदस्य थे। उन्हें प्रकाशक और संपादक, पत्रकार, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारक और मिथिला संस्कृति के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने मैथिली में लगभग 40 पुस्तकों का लेखन किया और मैथिली, संस्कृत और हिंदी में विभिन्न प्रकाशनों और पुस्तकों के संपादक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में विभिन्न क्षमताओं में विभिन्न साहित्यिक और शैक्षणिक संस्थान के शासी निकाय की सेवा की। उन्हें 1971 में पर्यसिवनी के साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1995 में अनुवाद रविन्द्र नाटक कवि खंड के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। सुरेंद्र झा सुमन 1977 से 1979 तक बिहार में दरभंगा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 6वीं लोकसभा के सदस्य थे। बिहार के 900 पुलिस स्टेशनों में लगाया गया सीसीटीवी। थानों में होने वाली हर हरकत पर नजर बनाए रखने के लिए बिहार के 900 पुलिस स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। राज्य के 1056 थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम फिलहाल किया जा रहा है। ये थाने राज्य के 40 जिलों के अलावा 4 रेल पुलिस जिलों के अधीन होंगे। मिली जानकारी के अनुसार लगातार पुलिस द्वारा गलत बर्ताव करने की शिकायत सामने आ रही थी, जिसके बाद ही यह फैसला लिया गया है। यही वजह है सभी थानों को लगभग सीसीटीवी कैमरे से लैस करने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, अब उन जगहों पर भी सीसीटीवी की नजर होगी जहां थानों का कामकाज निपटाया जाता है। इससे थानों में आए लोगों के साथ पुलिस के खिलाफ आ रही शिकायतों पर भी नजर बनाई रखी जा सकेगी। सबसे खास बात यह है कि थानों में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग को 1 साल तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की जा रही है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी ने भी किया अंतिम दर्शन। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर बीते दिन उनके पटना आवास पर पहुंच गया था, जिसके बाद अंतिम दर्शन का हुजूम देखने को मिला। वहीं उनके अंतिम दर्शन के लिए रामविलास पासवान के पैतृक गांव शहर बन्नी से उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी भी उनके दर्शन करने पहुंची थी। उनका रो रोकर बुरा हाल था। जब वो गाड़ी से पटना आवास पहुंची तो माहौल और ज्यादा गमगीन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार उनकी पहली पत्नी का रो रोकर बुरा हाल था। हालांकि वो खुद भी काफी ज्यादा बीमार चल रही है, मगर रामविलास पासवान के गुजर जाने की खबर सुनकर उनका भी हाल बेहाल हो गया। आपको बता दें, रामविलास पासवान की पहली शादी 1960 में हुई थी, जब वो महज 14
11 साल के थे, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी 1983 में रीना शर्मा से की, जिनके बेटे चिराग है। गुप्तेश्वर पांडे ने गलत आईडी बनाने वालों पर की टिप्पणी। बिहार में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं अब एक बार फिर से उनके किए गए ट्वीट पर चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए हैं, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि कई बार मेरे नाम से गलत आईडी बनाकर कुछ लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है। मेरी तरफ से ऐसे गलत आईडी को लेकर सख्ती देखी गई थी, मगर एक बार फिर से ऐसी हरकतें शुरू हो गई है। दोबारा से कुछ लोग शरारत करने पर उतर आए हैं, ऐसे लोगों पर सख्ती से पेश आया जाए। नवादा के 5 विधानसभा चुनाव में स्क्रूटनी के दौरान 10 नामांकन हुए रद्द। पहले चरण के विधानसभा चुनाव के आयोजन के लिए नामांकन की प्रक्रिया 8 अक्टूबर को ही खत्म करवा दी गई थी। वहीं अब स्क्रूटनी का काम किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में कुल 10 नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। इस प्रकार जिले में 73 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। हिसुआ में 8, नवादा में 15, वारिसगंज में 10, गोविंदपुर में 18 नामांकन वैध पाए गए हैं। आपको बता दें 12 अक्टूबर तक नाम वापस लेने की अवधि दी गई है। वहीं 12 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। नवादा विधानसभा क्षेत्र में स्क्रूटनी के बाद 3 प्रत्याशियों के नाम को रद्द कर दिया गया है, बाकी सभी प्रत्याशियों के नाम को वैध करार कर दिया गया है। आपको बता दें नवादा विधानसभा क्षेत्र में 18 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया था, 3 के नामांकन रद्द होने के बाद मैदान में 15 उम्मीदवार बचे हैं। स्कॉर्पियो से मिले 40 लाख रुपए। खजांची थाना अंतर्गत थाना चौक पर शुक्रवार की शाम वाहन जांच में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिली जानकारी के अनुसार वाहन जांच के क्रम में एसएसटी यानी कि स्टैटिक सर्विलांस टीम ने एक स्कॉर्पियो से 40 लाख रुपए को जब्त किया है। एसपी विशाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि वाहन चेकिंग के दौरान एक काले रंग के स्कॉर्पियो में 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और फिलहाल रुपयों की जांच की जा रही है, जिसके बाद यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह किस तरह का पैसा है। जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने सिंबल वापस करने का किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जदयू नेता मनोज पासवान ने चुनावी रण से पीछे हटने का फैसला ले लिया है। जोड़ तोड़ की राजनीति एक बार फिर से शुरू होती देखी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने अपना सिंबल वापस करने का ऐलान कर दिया है। जदयू उम्मीदवार के अचानक से सिंबल लौटाने के फैसले के बाद तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कुटनी इलाके से विधायक रहे मनोज कुशवाहा को अपने प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद बाकायदा मनोज कुशवाहा ने 3 दिनों तक मीनापुर विधानसभा इलाके में प्रचार भी किया है, लेकिन आज उन्होंने अपना सिंबल वापस करने का फैसला ले लिया। मतदान केंद्र की जानकारी अब बस एक फोन कॉल पर। कोरोना के माहौल में चुनाव का आयोजन करवाना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती तो है ही, इससे भी बड़ी चुनौती कोरोना के माहौल में मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाने की है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग हर संभव मदद मुहैया करवाने की कोशिश में जुट गया है। वहीं पटना स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान भी 22 अक्टूबर को करवाए जाने हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं मतदाताओं को मतदान की जानकारी देने के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां 6 टेलीफोन 24 घंटे काम कर रहे हैं। टेलीफोन ऑपरेटर आपसे आपका नाम, पता और विधानसभा की जानकारी लेते हैं। यदि मतदाता पहचान पत्र को एपिक नंबर बता देता है या टेलीफोन ऑपरेटर उसे तुरंत जानकारी दे देंगे। इसके तहत अब कोई भी मतदाता 1950 पर कॉल करके मतदान केंद्र की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। मुंबई में एक्टर विजय कुमार को हिरासत में लेने पहुंचेगी पटना पुलिस की टीम। पटना पुलिस की टीम एक बार फिर से मुंबई पहुंचने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार चर्चित धारावाहिक निमकी मुखिया के तेतर सिंह का किरदार निभाने वाले एक्टर विजय कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी करने के आरोप में उन्हें पटना पुलिस पकड़ने वाली है। साझा की गई जानकारी के अनुसार दूसरी महिला से शादी रचाने के आरोप में पटना में मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद उन्हें नोटिस भी भेजा गया था, मगर वो पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसे में कोर्ट अब उनके खिलाफ सख्ती से पेश आने वाली है, जिसके तहत ही पटना पुलिस को मुंबई रवाना किए जाने की तैयारी हो रही है। सुशांत के फैंस ने अब श्रीलंका में लगाए पोस्टर। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के गुजरे हुए लगभग 4 महीने का समय गुजर चुका है। हालांकि अब तक उनके गुजर जाने से संबंधित कई बातों का खुलासा भी किया जा चुका है, मगर उनके फैंस लगातार सुशांत सिंह राजपूत को अभी भी इंसाफ दिलवाने की गुहार लगा रहे हैं। इसी क्रम में सुशांत के श्रीलंका वाले फैंस ने भी अपने अनोखे अंदाज में सुशांत को याद किया है, जिसके तहत श्रीलंका में सुशांत को इंसाफ दिलवाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसकी तस्वीर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने जारी की है। श्वेता ने जारी किए हुए पोस्ट में लिखा है, शुक्रिया श्रीलंका। सुशांत सिंह राजपूत मामले में श्वेता सिंह कीर्ति शुरुआत से ही अपने भाई को इंसाफ दिलवाने की मांग करती आई हैं, जिन्होंने अब तक दुनिया के अलग अलग देशों में इंसाफ की मांग को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे से भिड़ेंगे चेन्नई और बैंगलोर की टीम। आईपीएल के 13वें सीजन में आज 25वां मुकाबला चेन्नई और बैंगलोर के बीच में खेला जाएगा, जिसके तहत आज भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और वर्तमान कप्तान विराट कोहली की टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। चेन्नई के पिछले मैचों पर गौर करें तो चेन्नई की टीम अच्छा खेलने में नाकाम रही है। 6 मैच में अब तक वो सिर्फ 2 मैच में ही जीत हासिल कर पाई है, जिसके बाद चेन्नई की टीम अंक तालिका पर 6ठे स्थान
पर पहुंच गई है, जबकि बैंगलोर 5 मैच में से 3 मैच में जीत के साथ ही 5वें स्थान पर पहुंच गई है, यानी कि दोनों टीम अब टॉप 4 से बाहर है। इन दोनों टीम ने पिछले मैच की बात करें तो अब तक कुल मिलाकर 24 मुकाबले साथ में खेले हैं, जिसमें चेन्नई ने 15 में जीत दर्ज की है, वहीं बैंगलोर की टीम 8 में जीत हासिल कर चुकी है, वहीं एक मैच बेनतीजा रही थी। वहीं आज के इस मैच में ये दोनों टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरने वाली है ताकि अंक तालिका में अपनी स्थिति को सुधार सके। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 73,272 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 69,79,424 पर पहुंच गई है। वहीं देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 59,88,822 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 926 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 107,416 पर पहुंच गई है। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या अब बढ़कर 59,88,822 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो भारत में संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या आंकी जा रही है। साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर 8,83,185 सक्रिय मामले फिलहाल मौजूद हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार से निकले किस नेता ने कमजोर वर्ग के उत्थान का सबसे ज्यादा काम किया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।